इंटरनेट। देखो रिटेल के जो सभी बच्चे हैं वो इस टॉपिक को क्लियर कर लेंगे खास तौर से। इसके अलावा जो अदर भी जो ट्रेड है, ब्यूटी एंड वेलनेस है, हेल्थ केयर है, वो बच्चे भी इस टॉपिक को अगर कर ले अच्छे से क्लियर तो भी उनके लिए बेस्ट रहेगा, उनके ये काम आए इंटरनेट। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्या है इस वीडियो को क्या है शेयर कर लेना, तो उनसे क्या है आपको जो ये ग्रीष्मकाल की जो छुट्टियां हैं इसमें क्या है ये पढ़ने के लिए आपको क्या काम आ जाएगी। ट्वेल्थ क्लास बच्चे, टेंथ क्लास के बच्चे जो अभी जो हुए हैं और अभी पीछे तो थे, उनको भी क्या है उनके लिए भी वो क्या है काम आते जाएंगे। खास तौर से क्या है ध्यान रखना, इंटरनेट आज के वक्त सभी को आता भी है और सबकी ज़रूरत भी है। सभी के पास स्मार्टफोन, आजकल स्मार्टफोन होते हैं, सभी के पास स्मार्टफोन जो होते हैं वो जो बेसिस है वो इंटरनेट के बेस पे ही है, इंटरनेट का जो बेस उसी पे चलता है। अब होता क्या है इंटरनेट, इंटरनेट के माध्यम से आप खास तौर से क्या है अब दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो और कहीं पर भी हो, आप हर चीज़ के बारे में आप बैठे बैठे घर पर जानकारी उपलब्ध कर सकते हो और हर चीज़ की जानकारी आप इंटरनेट के माध्यम से ले सकते हो। और घर बैठे बैठे आप किसी भी जगह, दुनिया के किसी भी जगह पे आप इंटरनेट के माध्यम से क्या है अपना संचार कर सकते हो, अपनी कम्युनिकेशन रख सकते हो। खास तौर से ही इंटरनेट के ये रूप है। आजकल मेरे हिसाब से लगभग जो बच्चे हैं उनके पास स्मार्टफोन मिल जाता है और इंटरनेट को यूज़ करने के लिए भी वो आसानी से कर पाते हैं, आसानी से इंटरनेट कर पाते हैं। आप जैसे यूट्यूब जो बच्चे हैं वो खास तौर से जो यूट्यूब ज़्यादा आजकल चलाते हैं, और या आप पढ़ाई के लिए आप यूट्यूब को यूज़ करते हो, गूगल को यूज़ करते हो, ये सब भी क्या है इंटरनेट का एक क्या है माध्यम है। इंटरनेट के द्वारा ही यूट्यूब और गूगल चलता है। अब इसमें अपने को क्या है, वैसे आप इंटरनेट खास तौर से जानते हो, इसके अलावा जैसे आजकल आप इंटरनेट के माध्यम से खास तौर से शॉपिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, वो सारी क्या है शॉपिंग हो रही है। जैसे आप शॉपिंग करते हो किस किस के द्वारा करते हो, अमेज़ोन के द्वारा अमेज़ोन जो एक एप्लीकेशन होता है अमेज़ोन, उस साइट के द्वारा करते हो, मंत्रा के द्वारा करते हो, ठीक है, फ्लिपकार्ट के द्वारा करते हो, बहुत सी ऐसे साइटें हैं जिसके द्वारा आप घर बैठे किसी भी चीज़ को उपलब्ध घर पे ही उपलब्ध करवा सकते हो, आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आप इंटरनेट के माध्यम से उन चीज़ों को आप अपने घर तक घर बैठे बैठे उस चीज़ों को खरीद सकते हो। इसके अलावा लेकिन इंटरनेट में एक आपके अपने जो ज़रूरी जो चीज़ है वो अपने क्या होती है, ईमेल बनाना बहुत ज़रूरी है। मैंने सब बच्चों को एक अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर एक रजिस्ट्रेशन करवाया था, जिस पर सभी के रजिस्ट्रेशन करने के बाद ईमेल पर एक एक्टिव करने का एक ऑप्शन आया था, आप सब लोगों ने उस ईमेल द्वारा एक्टिव किया था। लेकिन मुझे पता चला कि बहुत से बच्चों को ईमेल बनाना ही नहीं आता और उनके पास ईमेल आईडी है ही नहीं। अगर ईमेल आईडी नहीं होगी तो ये मान लो कि आपको आगे जाकर बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता है। ईमेल आपके पास हर जगह होती है क्योंकि ईमेल पे बहुत सी चीज़ों की सूचना है वो आपको ईमेल पे प्राप्त हो जाती है, इसलिए ईमेल बनाना बहुत ज़रूरी है। इंटरनेट आप सब जानते हो फ़ोन पे। अब मैं आपको क्या एक छोटा सा ईमेल का एक छोटा सा टॉपिक है ईमेल बनाना, वो मैं आपको बता देता हूँ तो आपको फ्यूचर में कहीं पर भी काम आ जाएगी। और आप ईमेल जितना जल्द हो सके बना लो, और जो अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे जिसने भी अभी तक अगर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। मैंने सभी को लगभग बच्चे तो रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे जिनके पास फ़ोन नहीं है और वो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए हैं, तो वो किसी भी दूसरे जिसके पास फ़ोन है उनसे फ़ोन लेके वो रजिस्ट्रेशन कर ले। अब अपना जो टॉपिक है ईमेल बनाना, उस आप सब जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं कि गूगल यूज़ करते हैं, सारे के सारे बच्चे गूगल यूज़ करते हैं, या इसी का एक पार्ट जो होता है एक ब्राउज़र जो होता है वो होता है गूगल क्रोम, वो यूज़ करते हैं। देखो ब्राउज़र क्या होता है,
छोटा सा जो इसके ये ब्राउजर जो अपने को नाम आ गया अपन जो पढ़ लेते हैं, आप जितनी भी इंटरनेट चलाने के लिए जो आप यूज कर रहे हो, जिस एप्लीकेशन को यूज कर रहे हो उसको ब्राउजर करते हैं आप, क्या करते हो जैसे मान लो कोई भी वेबसाइट आप जैसे खोलते हो google.com, तो आप उसको ब्राउजर में ही यूज करते हो तभी google.com खुलता है, बिना ब्राउजर के कोई भी वेबसाइट ओपन नहीं होती है। अच्छा, जो वेबसाइट जो ओपन हो जाती है वो सबसे पहले जो ब्राउजर में खुलता है उसको उसका होम पेज बोलते हैं। ये छोटी सी एक मजे ऐसे ही आ गया तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अपन ईमेल बनाना सीख रहे हैं तो आप ध्यान रखना, या तो आप गूगल खोलें या गूगल क्रोम जो आप है उस जो गूगल क्रोम क्या है, ये गूगल का क्या एक ब्राउज़र है याद रखना, जिसमें अपन इंटरनेट चलाने के लिए या किसी भी वेबसाइट को खोलने के लिए उसकी वेबसाइट लगाते हैं तो वहाँ पर क्या अपन गूगल क्रोम में खुल जाती है। लेकिन अपन क्या कर सकते हैं, ज़्यादातर बच्चे हैं वो गूगल ही यूज करते हैं, तो आपको क्या है अगर गूगल लगाना हो तो आप उसमें क्या लगाएंगे, gmail.com, या आप उसमें ये भी डाल सकते हो create gmail account, ये भी डाल सकते हो। देखो ध्यान रखना, ईमेल आईडी जीमेल पे नहीं बनती, बहुत सी ऐसी वेबसाइटें हैं जो अपनी खुद की ईमेल बनाने की प्रक्रिया देता है, लेकिन गूगल की जो जीमेल आईडी है वो इतनी पॉपुलर है जिसकी वजह से क्या है हमें यही पता है कि गूगल ही जीमेल आईडी बनाता है। तो आप ध्यान रखें, बहुत सी ऐसी वेबसाइटें हैं जो अपने अकाउंट्स जो है बनाते हैं और वो अपने को ईमेल करने की सुविधाएं देते हैं। जैसे आप आउटलुक के बारे में नहीं जानते हो, लेकिन आउटलुक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक ईमेल की प्रक्रिया को अपने बनाने की प्रक्रिया क्या है अपने को देता है, लेकिन अपन जीमेल में ईमेल आईडी बनाने की प्रक्रिया बताते हैं, वो सब में सेम ही होती है। तो अपन क्या करते हैं, क्रिएट जीमेल अकाउंट खोलते हैं। जैसे हाँ, मैंने ये पहले बताया आपको कि वो जो आप gmail.com जो लगाओगे वो गूगल ब्राउज़र में लगा लेना, किसी भी ब्राउज़र में लगा लेना, कोई ज़रूरी नहीं है गूगल क्रोम में लगाए, लेकिन किसी भी ब्राउज़र में लगा सकते हो किसी भी, ठीक है। और गूगल में लगाओ तो आप गूगल में लगा लेना, तो gmail.com लगाओ या आप क्रिएट जीमेल अकाउंट लगा दो, तो उसमें आपको क्या है एक जगह तो आपका आएगा यूज़र नेम लिखा आएगा इसमें खालिस्तान, और एक नीचे आपको पासवर्ड नजर आएगा, ठीक है। तो आपको क्या है एक्चुअली करना क्या है, नीचे लिखा आएगा साइन इन, इधर लिखा आएगा साइन अप, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर आपके पास यूजर नेम है, आपने आपके पास जीमेल आईडी है, आपके पास पासवर्ड है, तो आप क्या करेंगे, साइन इन कर लेंगे। लेकिन आपके पास नहीं है आपको तो क्या, क्रिएट जीमेल अकाउंट बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप करते ही आपके पास क्या, आपकी वो डिटेल मांगेगा, ठीक है। डिटेल जैसे आपकी आपका नाम, आपका लास्ट नाम, आपके कौन से आप अकाउंट बनाना चाहते हो, इसके अलावा ऐसी आपकी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, मोबाइल नंबर, ये बहुत सी चीज़ें है आपकी, एक आता है रिकवरी मेल, ठीक है। तो रिकवरी मेल आईडी जो आपको कभी भी आप अगर उसके पास भूल जाओ तो उसकी वापस क्या है उस नंबर से रिकवरी कर सकते हो, और उसमें नीचे लिखा जाएगा क्रिएट अकाउंट, तो वहाँ पर क्रिएट अकाउंट कर लोगे तो आपका क्रिएट बन जाएगा, और वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, वापस बनने के बाद यहाँ पर आप यूज़र नेम, आपको उसमें यूज़र नेम बना दिया जाएगा, आप जो भी चाहे वो यूज़र नेम ले सकते हो वहाँ पर करने के बाद, और यूज़र नेम ले लेना, उसके बाद पासवर्ड ले लेना, पासवर्ड भी उसमें मांग लेगा वो जहाँ पर ही आप साइन अप करोगे, और उसके बाद साइन इन कर लेना। ये छोटे से प्रोसेस है, जैसे भी आप खोलोगे तो पता चल जाएगा आपको। जिस भी बच्चे को अगर जीमेल अकाउंट नहीं बनाना आ रहा है तो देखो, सभी बच्चे के पास मेरा नंबर है, आप कभी भी कॉल करके मुझे सूचना ले लेना, ठीक है। ये छोटा सा एक ईमेल अकाउंट जो बनाने की प्रक्रिया थी ये थी, इसमें कुछ ही नहीं करना, मैंने बता दिया आपको बार बार कि कभी भी गूगल जो है गूगल खोलो या गूगल ब्राउज़र
खोलो गूगल ब्राउजर के अंदर, आप क्या है कोई भी वेबसाइट लगा सकते हो, उसमें जीमेल अकाउंट आप लगाओगे, अपने को जीमेल अकाउंट के अंदर क्या है ईमेल, अपने को ईमेल बनानी है तो उसमें अपने को क्या है यूज़र नेम और पासवर्ड लिखा आ जाएगा, उसके नीचे साइन इन और साइन अप लिखा आएगा। साइन इन तो अगर अपने को पहले से अपने पास यूज़र नेम है और पहले से पासवर्ड है तो अपन क्या करेंगे उसमें डाल देंगे और साइन इन कर देंगे, लेकिन अगर अपने पास अगर नहीं है तो अपन क्या करेंगे, अपने पास मेल आईडी नहीं है तो अपन साइन अप करेंगे, साइन अप के बाद अपने पास बहुत सी डिटेल मांगेगा, जैसे आपका नाम मांगेगा, आपके नाम में लास्ट नाम भी मांगेगा, इसके बाद DOB भी मांगेगी, ठीक है, इसके अलावा आपके मोबाइल नंबर मांगेगा, पासवर्ड भी मांगेगा, इसके अलावा आपको आपके जो आपको जो मेल आईडी जो बनानी है, मेल आईडी जो बनानी है वो भी आपसे मांगेगा, आप जो बनाना चाहोगे बना लेना। तो उसमें आपकी क्रिएट अकाउंट वहाँ बन जाएगा, क्रिएट अकाउंट बनने के बाद जैसे आपने बना पासवर्ड आपने जो चुने वो आप यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ यूज़ कर लेना, आपके पास आप मेल आना, मेल आपकी बन जाएगी, मेल आईडी आपकी बन जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है। पासवर्ड भी आप ऐसे पासवर्ड डालें जो पासवर्ड आपको याद रहे, कोई भी ऐसी डिटेल याद रखना। इसके बाद आप अपना अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे, मैंने आपको पहले बताया था अप्रेंटिसशिप पोर्टल, इस पे आप आसानी से क्या है जीमेल बनने के बाद आप आराम से क्या है इस अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब अप्रेंटिसशिप पोर्टल का एक मैं छोटा सा मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी प्रक्रिया क्या है। जैसे ही आप अपने गूगल पे, जैसे ही गूगल पे आप अप्रेंटिसशिप अप्रेंटिसशिप लिखोगे, अप्रेंटिसशिप लिखते ही आपके पास सेकंड वन सेकंड जो सेकंड पेज खुलेगा उसको खोल लेना, जिसपे जिसकी क्या आएगी इसकी साइट लिखी होगी, या तो आप डायरेक्ट साइट ही लगा लेना apprenticeshipindia.org। तो आप इसको जैसे खोलोगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, आपके पास इसका अप्रेंटिसशिप पोर्टल का क्या है एक होम पेज खुलेगा, उस होम पेज पे कोने पे दाएं साइड के कोने पे इधर इस साइड के ऊपर कोने पे रजिस्टर लिखा आएगा। तो आपको क्या करना है उस रजिस्टर पे क्लिक करना है, जैसे रजिस्टर पे क्लिक करोगे वहां पर कैंडिडेट लिखा आएगा, जैसे रजिस्टर करोगे वैसे कैंडिडेट लिखा आएगा, तो आप क्या करना है उस पर कैंडिडेट करना है। कैंडिडेट करने के बाद आपको क्या करना है उस पर आपके पास डिटेल आएगी, क्या क्या डिटेल आएगी, आपका नाम, फादर नेम आएगा आपका।